हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स सेंसिटिव टैड पे स्वागत है। गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइज, तो आज की हमारी रीडिंग है कैंसर कर्क राशि के लिए जुलाई महीने की आपकी लव प्रिडिक्शन क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। गाइज, आप मेरे चैनल के मेम्बर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन लिखा हो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, तीन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। गाइस, तो जल्दी से जल्दी जाइए, चेकआउट कीजिए। बहुत ही कम प्राइस है, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन, आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सेजिटेरियस, द डेविल कैप्रिकॉन, टेन ऑफ सॉर्ट, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एट ऑफ सॉर्ट। ओके, तो गाइस फिर से एयर साइन, एट ऑफ सॉर्ट को क्लैरिफाई किया है, फाइव ऑफ कप। ओके, वाटर एनर्जी गाइस, बॉटम टू डेक हमारे पास है टेन ऑफ पेंटिकल। तो गाइस, आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में आ भी चुके हो, आप में से बहुत सारे लोग फिजिकल रिलेशनशिप में आ चुके हैं और अभी भी आपके मन में डाउट है कि आपके पार्टनर प्यार करते हैं या फिर फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल रिलेशन की वजह से ही मेरे साथ जुड़े थे और अब मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। मतलब आपकी ये ही एनर्जी बहुत कुछ बता रही है। यहाँ सिर्फ हम यही क्वेश्चन लेंगे कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं, या फिर वो फिजिकल अट्रैक्शन से ही जुड़े हैं जो आपके मन में डाउट है। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में उनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी थे, बहुत ज़्यादा। उनको सिर्फ फ्लर्ट करना है, बातचीत करनी है या किसी के साथ रिलेशन में आना है फिर आगे बढ़ जाना है। लेकिन जब से वो आपके साथ जुड़े हैं वो एक अलग एनर्जी महसूस करते हैं, अलग फीलिंग महसूस करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल वो आपको प्यार करते हैं या नहीं, बिल्कुल करते हैं, बहुत करते हैं। और उनका माइंडसेट पूरी तरीके से आपको लेकर बदल गया है, क्योंकि टेन ऑफ सॉर्ट यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट एनर्जी आ रही है, टेन यानी कंप्लीट। ओके, तो आप दोनों के रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इसके चलते आपके पार्टनर की पूरी तरीके से एनर्जी आपको लेकर बदल गई है और वो अब आपको प्यार करते हैं, डेफिनेटली करते हैं और करते ही रहेंगे। उनको आपके बगैर अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, अब हम देखते हैं गाइस कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। हॉस्टिलिटीज़ पॉप अप हुआ है गाइस ये कार्ड। तो गाइस, आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा नाराज़ हो और थोड़ी नोकझोंक चल रही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हीलर ऑफ द एजेस, कॉन्ट्रैक्ट लास्ट कार्ड है हमारे पास, गॉडेस ऑफ द मून, वेरी नाइस। तो आपकी जो बॉटम टू डेक टेम्पल पाथ, तो गाइज आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी पूरी तरीके से बदल गई है। अभी आप पूरी तरीके से सिक्योर, अपने आप को दिल से आपको फील होता है कि मैं सिक्योर हूँ मेरे पर्सन के साथ, मेरे पार्टनर के साथ। लेकिन फिर डर लगता है कि कहीं वो मेरे लिए डिसीज़न लेंगे भी या नहीं। तो आप दोनों के रिश्ते में आपके पर्सन आपको लेकर मानते हैं कि मैं जब से आपके साथ जुड़ा हूँ तब से मुझे कुछ अलग फीलिंग, अलग वाइब्स आती है आपसे, एक अलग बेहतरीन, एक अच्छी अच्छी फीलिंग आती है उनको और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये किस तरह की फीलिंग है।
कहीं मैं इसको प्यार तो नहीं करने लगा हूँ, कहीं मेरे दिल में उसके लिए जज्बात तो नहीं पनप रहे हैं, कहीं मेरे दिल में उसके लिए जगह तो नहीं बन रही है। मतलब वो फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो इधर उधर भटक रहे थे, बहुत सारे तितलियों से घूम रहे थे, उनके साथ वक्त बिता रहे थे, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से सब कुछ स्टॉप हो गया है, पूरी तरीके से बदल गया है और ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है गाइस। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो, क्योंकि इस जर्नी में ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है और स्टेज बदलती है, और ये जो जर्नी होती है वो 7 स्टेज की जर्नी होती है। तो आपका जो स्टार्टिंग हुई थी उसके बाद स्टेज बदल गया है गाइस, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। आपके पर्सन अब आपको लेकर रियली में उनके दिल में इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं फंस गया हूँ या मैं फंस गई हूँ, मुझे इसके बिना अच्छा भी नहीं लगता और मैं उसके साथ पूरी लाइफ बिताना भी नहीं चाहता, इस तरह से वो सोचते हैं। तो गाइस उनकी जो एनर्जी है वो अप एंड डाउन अभी हाल फिलहाल है। वो गाइस फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और फिर से उनकी एनर्जी बदल जाएगी और धीरे धीरे आपको लेकर उनकी एनर्जी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तब तक आपको इंतज़ार करना है। आप अभी 3rd स्टेज में भी हो सकते हो, 5th स्टेज में भी हो सकते हो, कोई 6th स्टेज में भी हो सकते हैं गाइस। ओके, तो अंदरूनी तरीके से आप में भी बदलाव आ रहे हैं, आपके पर्सन के में भी बहुत कुछ चेंज आ रहा है। तो गाइस आपके पर्सन की अभी जो फीलिंग है या आपको लेकर वो यही मानते हैं कि मुझे इसके लिए क्यों बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, क्यों मुझे इसके साथ अच्छा लगता है, क्यों मुझे इसके साथ रहना पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, जब भी मैं वक्त बिताता हूँ, मैसेज के थ्रू बातचीत करता हूँ, फ़ोन के थ्रू बातचीत करता हूँ, या फिर कोई भी पल बिताता हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, और दूसरे किसी भी इंसान के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल मैं नहीं महसूस करता हूँ जितना मुझे आपके साथ लगता है, इस तरह से वो मानते हैं। अब आपकी फीलिंग अपने पार्टनर को लेकर क्या है आपको पता है। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कि वो मेरे लिए सीरियस होंगे भी या नहीं। और मैंने आगे कहा कि आप में से कुछ लोगों का एक फिजिकल रिलेशन में आप आ चुके हो, इस वजह से ज़्यादा फिक्र है कि कहीं वो तीसरे पर्सन के आगे ना बढ़ जाए, तीसरे पर्सन के साथ, और मुझे ना छोड़ दे, ये डर है। तो आप निश्चिंत रहिए गाइस, उनकी फीलिंग धीरे धीरे आपको लेकर बढ़ रही है, आप उनको लेकर जो सोच रहे हो वो धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट होता चला जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए और गॉड के ऊपर विश्वास रखिए, आपका प्यार उनके लिए सच्चा है तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ये एक विश्वास आपको बिठाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ गॉड ही करते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ विश्वास से और प्यार से पूरे तरीके से जुड़े हो तो गॉड आपके साथ रहते हैं और आप दोनों के रिश्ते को कोई अलग नहीं कर पाता है। ओके, अब देखते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, आप दोनों का फ्यूचर क्या है। चाओस एंड कॉन्फ्लिक्ट टू द सी, हैप्पी मिल्क एंड हनी, वेरी नाइस, न्यू लाइफ, अमेजिंग। जो मैंने आपको कहा कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी, इमेजिन, वेरी नाइस। अभी जो आप कल्पना कर रहे हो, सपने देख रहे हो, वो सभी सपने आपके पूरे होने वाले हैं, आपको पता है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड, ये जो दो कार्ड आए वो आपके अभी प्रेजेंट के फ्यूचर के बारे में है, जो हाल फिलहाल आपको अभी हाल फिलहाल जो एक 4-5 महीने आपके गुजरेंगे उस मतलब निकलेंगे उसमें आपको थोड़ी फिक्र रहेगी, थोड़ी चिंता लगी रहेगी, आप दोनों की बातचीत नहीं होगी इसकी वजह से, उन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा इस वजह से, आप नो कांटेक्ट में हो इस वजह से, वो आपके साथ बेरुखी से बातचीत करते हैं इस वजह से, वो आपके ऊपर गुस्सा होते हैं इस वजह से, इस तरह की जो एक प्रॉब्लम है इससे आप धीरे धीरे बाहर निकल आएंगे और आप अपने
आप दोनों के रिश्ते को पूरे तरीके से संभाल लोगे और फिर आपके लाइफ में आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ है और पूरी तरीके मिल्क एंड हनी की तरह एक दूसरे के साथ घुल मिल जाओगे, तालमेल बिठा लोगे और आप दोनों की एक दूसरे को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत ही बेहतर होगी और आप न्यू लाइफ स्टार्ट करोगे। ओके तो गाइस यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ, वन मिनट गाइस। ओके अब आपको कार्ड दिख रहे हैं। तो गाइस यही है कि आपके पर्सन आपको लेकर डिसीज़न भी लेंगे और इस तरह की जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है कि वो आपके लिए आगे बढ़े या ना बढ़े, आपके साथ आगे आए या ना आए, ये जो उनकी असमंजस की स्थिति है वो पूरी तरीके से आगे चलकर बदल जाने वाली है। तो अभी आपको ये जो मैंने मंथ बताए है, महीने बताए है, 4-5 मंथ, उसको आपको संभाल लेना है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करोगे, आपकी फैमिली भी होगी, बहुत ही खूबसूरत है। आप दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे को मैच्योर तरीके से हैंडल करोगे, बहुत ही अच्छा एनर्जी है गाइस। अब हम देखते हैं गाइस कि आप दोनों की शादी 2022 में होगी या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन, इनोसेंस, गिल्ट, एडवेंचर, एडवेंचर क्यों है यूनिवर्स, ट्रस्ट। बॉटम ट्रैक हमारे पास है अलोननेस। ओके तो गाइस आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि 2022 में 50% लोगों के चांसेस है कि आप दोनों की शादी हो जाएगी। 2023 में बहुत ज़्यादा चांसेस है, 100% चांसेस है गाइस कि आप दोनों की शादी हो जाएगी। मतलब गाइस 2023 में बहुत सारे लोगों के शादी होने के चांसेस है जिनकी राशि कैंसर है। ओके 2022 में 50% लोगों की 50-50 चांसेस है, कुछ लोगों की शादी होगी, कुछ लोग नए स्टेज में आएंगे, वो जो 5 में होंगे वो 6 में आएंगे, वो जो 6 में होंगे वो 7 में आएंगे, इस तरह से होगा। ओके जो 7 में आ जाएंगे उनकी शादी 2022 में हो जाएगी। ओके तो गाइस अब हम देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन, द लवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, बॉटम टू रैक हमारे पास से द हाई प्रेस्टेस। ओके तो आप दोनों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर की कैरियर है, उनके बहुत सारे सपने हैं, वो आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं हद तक उनके सर पे एक कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर है, तो ज़्यादा एक बड़ी पोजीशन होगी तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, ये बात आप भी समझ सकते हो। और उनके ऊपर एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आप दोनों ट्विन फ्लेम में सोलमेट की जर्नी में ही हो, इस वजह से आपकी लाइफ में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए आता रहेगा, आप दोनों के रिश्ते में बदलाव आते रहेंगे और लास्ट में आप दोनों साथ में हो जाओगे। ओके ये जो बदलाव आते हैं वो आप दोनों को स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं, अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने के लिए आते हैं। आप अपनी कमियों को पहचानते हो, अपनी क्वालिटी को जानते हो और अपने आप को स्टेबल बनाते हो, ये यही स्टेज होते हैं। ओके तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की एक फैमिली मैटर है और उनकी कैरियर है और दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। ओके तो थर्ड पार्टी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कहीं हद तक ये जो एनर्जी दिखा रही है वो आपकी तरफ से भी है कि आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप निभा रहे हो अभी भी, और कुछ बाकी भी है वो आपको भी पता है, वो आप समझ गए होंगे। ओके अब हम यहाँ से एक कार्ड निकालते हैं, उसी से पता चलेगा। आपके रिश्ते की एनर्जी क्या है। ओके खुद ही कार्ड आ गया है गाइस, कंपैशन, अमेजिंग, एक दूसरे के साथ समझना है, विश्वास रखना है, प्यार करना है और
कंपेशन बनाए रखना है। एक दूसरे के साथ कंपेशन होगा तो लाइफ बेटर से बेटर होती चली जाएगी। विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। अब आपके पर्सन आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हो तो आपको कोई तीसरे पर्सन के साथ बातचीत करने नहीं लग जाना है, तो ये गाइस कंपेशन नहीं है। आपको दिल से उनको याद करना है, एहसास देना है, टेलीपैथी के थ्रू उनको याद करना है, जिससे वो आपको एहसास को महसूस कर सके। आपको पूरे तरीके से उनके लिए सरेंडर हो जाना है, वही प्यार है। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।